नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीते दो दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे शहरों में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं शहर में पाइपलाइन डालने के उद्देश्य से सड़कें खुदी होने के कारण लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ मैदानी स्थिति गैस गोदाम में भी पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नहर में अतिक्रमण होने के कारण पानी निकलने में दिक्कत आ रही है। मामला प्रकाश में आते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर जल निकासी का रास्ता बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नहर के ऊपर भूमाफिया ने घर बना रखा है और प्रशासन की मदद से नहर का पट्टा भी अपने नाम करवा रखा है। पर एसडीएम फरीन खान और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर जल निकासी की व्यवस्था की। आइए आगे देखते हैं हमारे रिपोर्टर राजकुमार पांडे की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। मिनट हुआ है सास की नहर में, केवल उस वजह से भरा। सास की नहर सन 1965 में बनी थी और सन 1965 में लोगों को मुआवजा वितरित हुआ है और उसके बाद जो है उसकी चौड़ाई जो है कहीं 60 अब कहीं 82 फीट है नाला के रूप में अभी। लेकिन जहां ये है ये बनकुइया रोड नाला के रूप में, वहां की कंडीशन ये है कि अनूप मिश्रा महेश पांडे ने मिल करके कब्जा करके इनक्लोजमेंट करके और उसको केवल पैसे की दम पर। नहीं तो उनको कब्जा किसने दिलवाया, कैसे कब्जा कर लिए? कोई तो प्रशासनिक अमला, वो खुद कहते हैं कि हम पैसे की दम पर यहाँ खड़े। भाई अगर 10 फीट की जमीन है, 10 फीट की अगर जमीन है तो उसको 25 फीट कैप्चर कर लिए, 10 फीट खरीदे या 60 फीट एक जमाने में वो माने नहर सन 1965 में बनी थी 60 फीट। जब वो शासकीय भूमि हो गई उसके बाद कैसे कब्जा हो गया? अब आन प्रशासनिक अधिकारी लोगों कहना है इसके पहले सूचना दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं देखिए, सूचना उनके द्वारा ये दी गई थी कि वहाँ आगे अतिक्रमण हो रहा है, जबकि जलभराव की स्थिति उसके कारण निर्मित नहीं हुई है। ये जो व्यक्ति है इन्होंने दो दिन पहले अपना मकान निर्माण कराया है, जो इन्होंने ढोला डाल दिया था उसके कारण स्थिति निर्मित हुई है, उसको हटवा दिया गया है। और आगे भी यहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है झुकी झोपड़ी बना करके, जिससे नाले का फ्लो अवरुद्ध हो गया है, उसको हमने अभी हटवा दिया है और अभी हम इसको पूरा एक चैनल बना के जा रहे हैं जिससे आगे पानी नहीं रुकेगा।